लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में भोपाल समेत मध्य प्रदेश की 9 संसदीय सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। एमपी में तीसरे चरण के लिए 127 दावेदार मैदान में हैं। इन 9 सीटों में 9 महिला उम्मीदवार हैं। इसी के साथ ही 9 लोकसभा सीटों पर कुल 20,456 पोलिंग बूथों पर वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में एमपी की भिंड, मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना और सागर में वोटिंग होनी है। वहीं बैतूल लोकसभा सीट पर भी इसी चरण में मतदान होगा। एमपी में लोकसभा चुनाव का ये चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वजह है, इस चरण में हाई प्रोफाइल सीटें गुना, राजगढ़ और विदिशा शामिल हैं, जिनमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री का भी राजनीतिक कद और साख दांव पर है। इसी चरण में प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मतदान होगा। भोपाल से बीजेपी ने पूर्व मेयर आलोक शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। भिंड सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया मैदान में है, तो वहीं ग्वालियर में कांग्रेस ने AICC सदस्य प्रवीण पाठक पर भरोसा जताया है, जबकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री भरत सिंह कुशवाहा को उनके सामने उतारा है। सागर सीट पर मध्य प्रदेश महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन लता वानखेड़े बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। बात करें गुना की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया 2019 में कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी के केपी सिंह यादव से चुनाव हार गए थे। हार से सीख लेते हुए महाराजा बाबू ने इस पर मैदान पर जमकर मेहनत की। उनके साथ उनके बेटे और पत्नी भी चुनाव प्रचार में जुटे रहे। वहीं कांग्रेस ने सिंधिया परिवार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। राव 2023 तक बीजेपी में थे। उनके पिता मुंगावली सीट से 3 बार बीजेपी विधायक रहे। यादवेंद्र ने 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर सिंधिया के करीबी ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ लड़ा, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एमपी में मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान करीब 20 साल बाद फिर से विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं। 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले वे 5 बार यहां से सांसद चुने गए थे। कांग्रेस ने मामा के खिलाफ दादा को उतारा है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु स्थानीय नेता हैं और दादा कहे जाते हैं। भानु ने यहां से 1980 और 84 में 2 बार सांसद का चुनाव जीता। राजगढ़ सीट पर करीब 32 सालों के बाद दिग्विजय सिंह की वापसी हुई है। 1991 में राजा साहब यहां से सांसद बने, लेकिन 1993 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया। तब से लेकर 2004 तक इस सीट पर उनके भाई लक्ष्मण सिंह दोनों पार्टियों के ही सांसद रहे। वहीं बीजेपी ने 2 बार के सांसद रोडमल नागर को तीसरी बार मैदान में उतारा है। पिछले 2 चुनाव आसानी से जीतने वाले नागर के लिए चुनौती इस बार कड़ी है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इतने ताकतवर नेता को मैदान में उतारेगी, तो बस फिर 7 मई को वोटिंग के बाद इन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। सभी नेता अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन जीत और हार का फैसला तो 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद ही होगा।